दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तमाम उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लॉकडाउन में मजदूरों की वापसी को लेकर कटघरे में खड़ा किया। डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 2019 में जनता ने अभूतपूर्व भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर जताया। देश की जनता की आशाओं को मोदी सरकार ने पूरा किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कोविड 19 महामारी के संकट को अवसर में बदलने का काम किया गया। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए कोई विशेष तरीका इजाद नहीं किया। क्वारंटीन सेंटरों में सांप कांटे से लोगों की मौत हो गई। राज्य में आर्थिक आपातकाल के हालात हैं। दो इंक्रीमेंट रोक दी गई हैं। नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चर्चा है कि वेतन में 30% की कटौती होने वाली है। यह सरकार सभी क्षेत्रों में असफल रही है, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा। 2014 देश की जनता ने बड़े परिवर्तन के लिए वोट दिया था। देश की नीति रीति में बदलाव के लिए वोट दिया था। जड़ता और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वोट दिया था। और अंत्योदय की भावना को लेकर 2014 में व्यापक जनाधार मिला, जिससे न केवल भारत की आन बान शान में वृद्धि हुई, बल्कि जो माइल स्टोन तय हुए, गरीबों के बैंक में खाते करोड़ों खुले, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, शौचालय बनाकर स्वाभिमान सूची ने कहा, घर बनाकर गरीबों की गरिमा बढ़ाई, उनका सम्मान बढ़ाया। और इसी के साथ उस बुलेटिन में